नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया अवतार। नेशनल पार्क जू में प्रधानमंत्री जी ने जानवरों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई और कैमरे से फ़ोटो शूट भी की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल पार्क में, और प्रधानमंत्री जी ने संबोधित भी किया। जानवरों के प्रति नरेंद्र मोदी जी का प्यार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी बहुत ही कमाल का है। उन्होंने विल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में जो कहा, और जो उनका लक्ष्य था जब उन्होंने चीते लाए थे, आज उन चीतों के 4 शावक पैदा हुए हैं, जिनसे प्रधानमंत्री जी भी बहुत खुश हैं और देशवासी भी बहुत खुश हैं कि अफ्रीका से लाए गए उन बड़े चीतों की आज जो आगे उनका जो वंश है वो चल पड़ा है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगवार और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे।